रही है, तो बाजार के दिग्गज निवेशक कौन से शेयरों में, कौन से सेक्टर्स पर बुलिश हैं, कहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं इस समय बाजार के बड़े निवेशक, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे निखिल कामत की, जो को-फाउंडर है ज़ीरोडा के और ट्रू बीकॉन के। और यहाँ पे जो है उनकी प्रेफरेंस है कि जो मौजूदा स्तर है, जो करंट लेवल्स है, वहाँ पे बाज़ार के वैल्यूएशंस महंगे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि FY22 के जो PE वैल्यूएशंस है निफ्टी के ऑलमोस्ट 20.5 टाइम्स पे। और उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि निवेशकों को मुनाफा वसूली की भी थोड़ी सी करने की सलाह दी गई है। अब दूसरे दिग्गज रहने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सौरभ मुखर्जी, जो मार्सलस इन्वेस्टमेंट के हैं। उन्होंने कहा है कि जो आईटी, केमिकल और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग थीम है, उन पे वो बुलिश रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो दो स्टॉक्स है जहाँ पे उनकी अच्छी पिक्स है, जहाँ पे निवेश करने के लिए पसंदीदा शेयर्स है, वो है सबसे पहला ICICI बैंक और दूसरा है GMM फॉडलर। तीसरे दिग्गज बाजार के हैं, फोकस में रहेंगे वरुण गोयल, जो आपके निपॉन इंडिया AIF के हैं। और उनकी जो राय है वो कह रहे हैं कि जो वित्त साल 2024 में जो है कंपनियों के नतीजे में लगभग 12% का ग्रोथ संभव है। और इसके अलावा बैंकिंग ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए, इन पे जो है बुलिश नज़रिया रहेगा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया शरद उस अपडेट के लिए। यहाँ पर बाजार के दिग्गज आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, वो अपडेट अभी आपको शरद ने दिया। चलिए शुरुआत